रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसीलिए इसे श्रावणी पूनम या राखी पूनम भी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। ब्राह्मण वाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी सामान्यतः बहने भाई को बांधती है। ब्राह्मण, गुरु और परिवार में सम्मानित संबंधियों को भी राखी बांधी जाती है। प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय पंडित जी या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के हाथों बांधते हुए स्वस्ति वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बधो बलि राजा दान वेन्द्र महाबल तेन त्वाम पियुनामी रक्षे मा चल मा चल। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे राखी रक्षे, तू अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होना। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर बहने पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और पैसे भी होते हैं। पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद हल्दी या रोली से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों से न्योछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भाई बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। बहनों द्वारा व्रत रखने की परंपरा भी है। पुरोहित तथा आचार्य यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में वस्त्र, भोजन, दक्षिणा आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही। धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब सौ यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने तीन पैर भूमि दान कर दी। भगवान ने तीन पैर में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा बंधन बांध कर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन से पहले बहनों द्वारा किया जाने वाला वीरफुली का व्रत और उसकी विधि कथा चैनल पर दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।